के बाद वापस हम मिल रहे हैं. मैं छुट्टी पे गई थी तो नाइस टू सी ऑल यू गाइज हियर. थैंक यू कि आप यहाँ पे आए. हाउ आर यू ऑल? फिट एंड फाइन? वेरी गुड. फ्रूट खाएंगे? नहीं. ओके. फ्रूट पसंद है सबको? किसी को नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है. मैं एक्चुअली हर सुबह खाती हूँ, शुरू करती हूँ अपना दिन विद द गुडनेस ऑफ फ्रूट. जो पोषण मिलता है हमें फ्रूट के साथ, तो आई लव स्टार्टिंग माई डे विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट. तो जब मैं वापस आई छुट्टी से, पहला सवाल जो मैंने पूछा था घर पे वो ये था कि जो मेरी बहुत क्यूट बाई है घर पे, मी त्यांना विचारलं की बाई घरी फ्रूट आहे की नाही. आणि बाईनी सांगितलं की हो, तू आता आली आहे घरी तर आम्ही हे मागून ठेवलं. और बेसिकली हिंदी में कहूंगी तो हाँ, आप वापस आ रहे हो घर तो हमने मंगा के रखा था आपके लिए. तो मैं एंड नाउ वी हैव फ्रूट ऑयल्स फ्रॉम हेयर एंड केयर. तो मैं बहुत खुश हूँ दैट ये एसोसिएशन जो मेरा है उनके साथ, ये भी अभी इवॉल्व हो गया है. एंड द गुडनेस ऑफ फ्रूट नाउ I have for my hair as well, and so does everybody else. Shraddha. Sorry, I took over. Okay. I think you had to ask me this. Yeah. Anyway, you look so pretty today. Thank you. You always do. Come. Okay. So, what's your hair secret? Have you applied hair and care oil? Let's guess. What do you think? So, I think. So, of course, and I think that जैसे मैंने कहा कि मुझे फ्रूट बहुत पसंद है, और जब उन्होंने कहा कि हम अभी फ्रूट ऑयल्स के साथ हमारा जो नया अवतार है वो फ्रूट ऑयल्स वाला होने वाला है, तो I got really, really excited with that. So, have you been using fruits for your hair from a very long time? And that's why when the association came, you were very glad about it. वो हमेशा recommend करते हैं कि fruit खाना ज़रूरी होता है because it's very healthy. तो अगर आप वो goodness oil में include कर लो, I think that उसके जो benefits होते हैं, they you can absolutely see them in your hair as well. Yeah, absolutely. तो yeah. And I think एक added जो चीज़ है, खुशबू. जो फ्रेग्रेंस है, जो फ्रूटी फ्रेग्रेंस भी है, आई थिंक जब आप इस्तेमाल करते हो, इट लीव्स अ लवली फ्रेग्रेंस इन योर हेयर एज वेल. या इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट पैक्स फॉर फ्रूट्स, यू हैव एवरीथिंग इन वन ऑयल, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट द चॉइस. ग्रेट. सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस फॉर श्रद्धा? Thank you. जंगल में? फ्रूट स्टॉल में? क्या गाइज आपको? ऑल्दो जंगल इज ऑल्सो नाइस टू बी इन. फोटोज अभी अगर हो गए हो तो कैन वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन? यस. अच्छा, जस्ट लास्ट वन मिनट प्लीज. या ओके. लास्ट, कैन आई गिव दिस माइक टू समवन प्लीज? लास्ट वन फोटो. या लास्ट. थोड़ा हेयर एंड केयर के मतलब बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक्चुअली मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के पहले, जब हेयर एंड केयर के एड्स टीवी पे मैं देखती थी, और एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, जो दी ओनली नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, सिर्फ हेयर एंड केयर का ऑयल था और है जो है नॉन स्टिकी, तो मुझे वो बात बहुत पसंद आई. क्योंकि जब भी मैं ऑयल करती थी तो मुझे वो चिपचिपाहट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. तो ऑफ कोर्स जब मैं फिल्मों में आ गई और हेयर एंड केयर फिर चाहते थे कि मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनूं, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत गर्व की बात है. अभी मैं उन्हें इंडोर्स करती हूँ. तो आई थिंक जो हमारी इंडियन कल्चर में जो चंपी जो होती है, वो बहुत ही मतलब हर घर में हर माँ जो है अपने बच्चों के बालों पे, या हस्बैंड या फैमिली के सबको एक प्यारा सा हेड मसाज देती है. तो आई थिंक कि वो जो इतना अहम हिस्सा है एक इंडियन हमारे भारतीय कल्चर का, तो आई थिंक जब हेयर ऑयल की बात करते हैं, अगर आप उसे
हर हफ्ते तो पक्का यूज़ करती हूँ, और इस बारी जो है उनका नया अवतार है जो है फ्रूट ऑयल्स, तो जो फ्रूट का पोषण है, फ्रूट के जो गुण हैं वो इस हेयर ऑयल में है, सो दैट्स रियली गुड फॉर योर हेयर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मतलब जब से मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे बहुत ही प्यार से मेरे बालों में आज भी हेयर ऑयल लगाती हैं, और बिल्कुल रिलैक्स कर देती है जब बहुत थक के आ जाती हूँ शूट से, तो उसका मतलब अलग ही मज़ा है, एक अलग ही बहुत मतलब प्यार भर जाता है दिल में। बिल्कुल जी, मैं डेफिनेटली ऑयलिंग में बहुत मानती हूँ, अपना हेयर एंड केयर ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ, और जिस दिन मैं शूट नहीं कर रही होती तब मैं अपने बालों को स्टाइल नहीं करती, उसे ज़्यादा हेयर ड्रायर से स्टाइलिंग नहीं कराती, क्योंकि जो हीट होता है, वो जो गर्मी होती है हेयर ड्रायर से, वो अपने बालों को ड्राई कर देती है, डैमेज कर सकती है, तो मैं बिल्कुल कोई स्टाइलिंग नहीं करती उन दिनों। तो हसीना की टीज़र को मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक रिस्क था मेरे लिए, रिस्क है मेरे लिए, बहुत ही अलग अवतार में नज़र आ रही हो, तो जब लोग खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं आपको एक अलग अवतार में देखने, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो टीज़र के रिस्पांस से मैं बहुत खुश हूँ, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी साइना नेहवाल जी, उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहें कि कब शूट स्टार्ट हो रहा है, कब लोगों तक आएगी? तो उसकी ट्रेनिंग शुरू है अब, और आई थिंक जैसे ही मैं तैयार होंगी तब शूट शुरू हो जाएगी। यस, थैंक यू।